वेलकम टू एस क्यू क्लास। आज हम पढ़ेंगे पोजिशनल आइसोमेरिज्म। तो पोजिशनल आइसोमेरिज्म क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। दो मॉलिक्यूल में चेन सेम हो और फंक्शनल ग्रुप भी क्या हो, सेम हो, पर फंक्शनल ग्रुप की पोजिशन क्या हो, अलग अलग हो। यानी कि एक मॉलिक्यूल पे तो फर्स्ट नंबर पे है और यहाँ पे आप देख सकते हैं दूसरे मॉलिक्यूल पे सेकंड नंबर पे है। तो क्या है, मैंने क्या कहा, दोबारा सुनिए। दो मॉलिक्यूल में चेन सेम होनी चाहिए, फंक्शनल ग्रुप सेम होने चाहिए, पर फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन क्या होनी चाहिए, यहाँ पे डिफरेंट होनी चाहिए चेन में। ठीक है ना, आप देख पा रहे हैं कि पहले मॉलिक्यूल में फर्स्ट पे अटैच था OH और दूसरे मॉलिक्यूल पे सेकंड पे अटैच है OH। तो ये दोनों क्या शो कर रहे हैं, ये दोनों पोजिशनल आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं। ठीक है ना, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। देखिए अगला वाला, यहाँ पे नीचे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि चेन भी सेम है। यहाँ पे देखिए दोनों चेन क्या है, यहाँ पे सेम है, केवल डिफरेंस किस चीज़ का है, केवल डिफरेंस है किसका, फंक्शनल ग्रुप की पोजिशन का। पहले पे कहाँ लग रहा है, फर्स्ट पे, ठीक है ना, फर्स्ट क्लोरोब्यूटेन, और दूसरे पे हमारा, दूसरे मॉलिक्यूल में फंक्शनल ग्रुप कहाँ लग रहा है हमारा, सेकंड पे, सेकंड क्लोरोब्यूटेन। ठीक है ना, तो आप यहाँ पे कुछ चीज़ें कॉमन देख पा रहे होंगे, क्या, जैसे कि नाम, प्रोपेन वन ओल, प्रोपेन टू ओल, केवल क्या बचे हैं जो है, वन ओल टू। ठीक है ना, ऐसे यहाँ पे आपने नीचे देखा वन क्लोरोब्यूटेन टू क्लोरोब्यूटेन, ठीक है ना, बस वन और टू चेंज हुआ। तो यहाँ पे केवल और केवल नंबरिंग का ज़्यादातर क्या रहता है, डिफरेंस रहता है पोजिशनल आइसोमेरिज्म में। ठीक है ना, ये बात करी हमने पोजिशनल आइसोमेरिज्म की। अब हम देखेंगे कि हम क्या क्या गलती करते हैं इस पोजिशनल आइसोमेरिज्म में, इसलिए हम देखेंगे कुछ उसके इंपॉर्टेंट नोट्स एंड क्वेश्चन, किसके, पोजिशनल आइसोमेरिज्म के इंपॉर्टेंट नोट्स एंड क्वेश्चन फॉर पोजिशन आइसोमेरिज्म। हम क्या क्या गलती करते हैं पोजिशन आइसोमेरिज्म करते समय, इसके बारे में हम अभी जान लेते हैं ताकि हम वो गलती पेपर में ना करें। तो चलिए देखते हैं। साइज ऑफ पेरेंट चेन एंड साइड चेन मस्ट रिमेन सेम। साइज पेरेंट चेन का और साइड चेन का क्या होना चाहिए, पोजिशन आइसोमेरिज्म में सेम होना चाहिए, दोनों ही किसका, मॉलिक्यूल का। अब अगला देख लेते हैं। फंक्शनल ग्रुप मल्टीपल बॉन्ड सब्स्टिट्यूएंट मस्ट रिमेन सेम। फंक्शनल ग्रुप हुए, मल्टीपल बॉन्ड्स हुए या सब्स्टिट्यूएंट, हमें क्या होने चाहिए वहाँ पे, सेम होने चाहिए पोजिशन आइसोमेरिज्म में। मैं आपको थोड़ा सा इसे समझाने की कोशिश करता हूँ। चलिए देखते हैं। यहाँ पे आपको दो मॉलिक्यूल नज़र आ रहे होंगे, ये दोनों पोजिशनल आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं। तो हम क्या देख पा रहे हैं यहाँ पे, कि यहाँ पे डिफरेंस किस चीज़ का है, केवल और केवल फंक्शनल ग्रुप की किसका, किसका, पोजीशन का डिफरेंस है बस। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पेरेंट चेन की साइज भी उतनी है दोनों में, और फंक्शनल ग्रुप भी क्या है यहाँ पे, सेम है। ठीक है ना, जैसे कि मैंने आपको बताया कि साइज ऑफ पेरेंट चेन एंड साइड चेन मस्ट रिमेन सेम, फंक्शनल ग्रुप मल्टीपल बॉन्ड सब्स्टिट्यूएंट मस्ट रिमेन सेम। ठीक है ना, तो इन बातों का ध्यान रखिएगा, बिल्कुल भी गलती मत करिएगा, ठीक है ना, वरना हमारे मार्क्स कट सकते हैं। तो अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं कुछ पोजिशन आइसोमेरिज्म के। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए आपको दिखाई दे रहा है 1,2-dibromobenzene। अब आप हमें देख के बता सकते हैं कि इसके कितने पोजिशन आइसोमर बन सकते हैं। ठीक है, आपने देख के बताया कि यहाँ पे कितने बन सकते हैं, तीन पोजिशन आइसोमर बन सकते हैं। कौन कौन से, फर्स्ट सेकेंड डाइब्रोमोबेंजीन, फर्स्ट थर्ड डाइब्रोमोबेंजीन और फर्स्ट फोर्थ डाइब्रोमोबेंजीन। केवल और केवल क्या चेंज हुआ, केवल और केवल फंक्शनल ग्रुप की यहाँ पे पोजीशन चेंज हुई है। पहले सेकंड पे था, उसके बाद हमने थर्ड पे लगा दिया और उसके बाद हमने फोर्थ पे लगा दिया। ठीक है ना, तो अगर हम इसे फोर्थ से फिफ्थ पे लगा दे तो ऐसा भी तो हो सकता है कि 1,5-dibromobenzene। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हम इसे यहाँ से फोर्थ की जगह फिफ्थ पे लगा देंगे तो दोबारा 1,3 बन जाएगा, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, यही बन जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, इसलिए हम इसके तीन ही पोजीशन आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, भूलेगा मत, केवल तीन। ठीक है ना, कहीं ऐसा ना हो कि आप फोर्थ जगह फिफ्थ पे लगा दे, ठीक है ना, और कहीं 1,5-dibromobenzene इसके तो फोर बन गए हैं। ठीक है ना, ऐसा नहीं होता, वो क्या हो जाएगा यहाँ पे, दोबारा 1,3-dibromobenzene हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। ठीक है ना, भूलिएगा मत, बच्चे बहुत गलती करते हैं इस चीज़ में। तो चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं एक और
ट्राइक्लोरोबेंजीन, आप बताइए इसके कितने पोजीशन आइसोमेरिज्म ये शो कर सकता है, बताइए। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा, अगर हम इस थर्ड वाले को फोर्थ पे लगाते तो 1, 2, 4 ट्राइक्लोरोबेंजीन, और अगर हम इस सेकंड वाले को कहाँ लगा दें, थर्ड पे लगा दें, और इस फोर्थ वाले को कहाँ लगा दें, फिफ्थ पे लगा दें, तो 1, 3, 5 ट्राइक्लोरोबेंजीन। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आपको, ये केवल और केवल मैंने आपको फिर से बताया, केवल और केवल फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज हो रही है। आप यहाँ पे ऊपर भी आप देख पा रहे थे कि नाम बिल्कुल सही है, सेम है, डाइब्रोमोबेंजीन, डाइब्रोमोबेंजीन एंड डाइब्रोमोबेंजीन, केवल और केवल फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज हो रही है। पहले सेकंड पे था, फिर थर्ड पे आ गया, एंड देन उसके बाद कहाँ आ गया, फोर्थ पे आ गया। नेप्थलीन, मैंने आपको नेप्थलीन का स्ट्रक्चर अपने पहले ही लेक्चर में दिखाया था और बोला था कि नेप्थलीन इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसका स्ट्रक्चर याद कर लीजिए। तो चलिए एक काम कीजिए कि नेप्थलीन पे दो जगह आप ब्रोमो लगाइए और मुझे बताइए कि इसके कितने पोजीशन आइसोमेरिज्म बन सकते हैं, ठीक है ना, ये कितने पोजीशन आइसोमेरिज्म शो कर सकता है ये आप मेरे को बताइए। पहले आप खुद कोशिश कीजिए और उसके बाद यहाँ पे आइए और अपने आंसर को मैच कीजिए। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ ये कितने शो कर सकता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन, एट, नाइन और टेन, ठीक है ना। हर ब्रोमो की केवल और केवल आप पोजीशन चेंज करिए और देखिए कि कितने बना सकता है, तो आपको मिलेगा कि जो नेप्थलीन है अगर उस पर हम दो जगह ब्रोमो लगा दे तो वो हमें 10 पोजीशन आइसोमेरिज्म शो करके दिखा सकता है। एक बात का और यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ब्रोमो यहाँ पे कभी भी बीच में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा इन दो रिंग के बीच में, बिकॉज यहाँ पे डबल बॉन्ड होता है और एक कार्बन केवल चार एटम से बॉन्ड बना सकता है, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए कितने बॉन्ड बना रहा है ये कार्बन, ये वाला, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, यानी कि चार बॉन्ड बना रहा है। तो यहाँ पे कोई और फंक्शनल ग्रुप अटैच ही नहीं हो सकता क्योंकि एक कार्बन केवल कितने बॉन्ड बना सकता है, चार बॉन्ड बना सकता है, ठीक है ना। रेजोनेंस की वजह से ये जो डबल बॉन्ड आ गया इसकी वजह से इसने कितने बॉन्ड बना रखे हैं, 1, 2, 3, 4, ठीक है ना। यहाँ पे एक कौन सा है, डबल बॉन्ड, और दो सिंगल बॉन्ड आप देख सकते हैं, तो इसलिए बीच में यहाँ पे ब्रोमो नहीं लगेगा, ना इस साइड ना इस साइड। तो नेप्थलीन पे अगर हम दो ब्रोमो लगा दें तो वो कितने आइसोमर बना सकता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से कीजिएगा, ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले आइसोमेरिज्म की ओर, और उसका नाम है मेटामेरिज्म। तो चलिए देख लेते हैं मेटामेरिज्म, मेटामेरिज्म किसे कहते हैं। मेटामेरिज्म पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि कौन से कंपाउंड मेटामेरिज्म शो करते हैं, तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। एक कंपाउंड जिसकी कार्बन की चेन के बीच में फंक्शनल ग्रुप अटैच हो जाए, कोई कंपाउंड जिसकी कार्बन चेन के बीच में कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच हो जाए वो ही मेटामेरिज्म शो कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कार्बन जो है यहाँ पे कॉन्टिन्यू नहीं है, बीच में एक फंक्शनल ग्रुप अटैच हो गया है कार्बन के, तो ये क्या मेटामेरिज्म शो करेगा। ऐसे ही उससे अगला वाला एग्जांपल भी आप दे सकते हैं, इसके बीच में थायो ईथर यहाँ पे आके अटैच हो गया इस कार्बन के बीच में, ठीक है ना। आप देख पा रहे हैं ना एक फंक्शनल ग्रुप आ गया यहाँ पे, तो वो कंपाउंड हमारे क्या शो कर सकते हैं, वो कंपाउंड हमारे मेटामेरिज्म शो कर सकते हैं। अब देखते हैं कि मेटामेरिज्म होते क्या हैं, क्या कौन सा फिनोमिना होता है मेटामेरिज्म, और मेटामर्स किसे कहते हैं, चलिए देखते हैं। अगर किसी कंपाउंड्स का, याद रखिए, अगर किसी कंपाउंड्स का सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो, अगर किसी कंपाउंड का सेम मॉलिक्यूलर क्या हो, फॉर्मूला हो, लेकिन उस फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ
उस फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ कार्बन एटम्स का अरेंजमेंट डिफरेंट डिफरेंट हो, क्या हो, कार्बन एटम का अरेंजमेंट डिफरेंट डिफरेंट हो, तो वो कंपाउंड एक दूसरे के क्या होंगे, मेटामर्स होंगे, और वो जो फिनोमिना शो करेंगे उसे हम कहेंगे मेटामेरिज्म। आपको मेरी बात शायद समझ में आई होगी, मुझे आशा है और मुझे पता है कि आप समझ सकते हैं। तो एक बार अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार और समझते हैं। चलिए आइए यहाँ पे, अगर मेरी बात ध्यान से सुनिए, अगर किसी कंपाउंड्स का क्या, अगर किसी कंपाउंड्स का सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो, क्या हो, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, यानी कि जितने सी इतने हैं इसमें हैं, उतने ही सी इसमें होंगे और उतने ही सी इसमें होंगे, जितने एच इसमें हैं उतने ही एच इसमें होंगे, उतने ही इसमें होंगे, जितने ओ इसमें हैं उतने ही ओ इसमें होंगे, उतने ही ओ इसमें होंगे, यानी कि सबका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा C4H10O, ठीक है ना। यहाँ पे मैं आपको गिन के दिखा देता हूँ, कार्बन कितने हैं 1, 2, 3, 4, C4, हाइड्रोजन कितने हैं 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, H10 और O कितना है यहाँ पे 1, ठीक है ना, ओके। तो आप देख पा रहे हैं कि फंक्शनल ग्रुप तो सेम है, क्या है, फंक्शनल ग्रुप तीनों कंपाउंड में सेम है, लेकिन लेकिन उस फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ कार्बन का जो अरेंजमेंट है, कार्बन के जो नंबर हैं वो क्या है, अलग अलग हैं, ठीक है ना। तो ये वाला यानी कि इथॉक्सी इथेन किसका मेटामर है, 1-methoxypropane, क्योंकि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि फंक्शनल ग्रुप तो सेम है लेकिन इधर कितने कार्बन हैं, इधर है यहाँ पे 3 कार्बन प्रोपेन, ठीक है ना, और इधर इस पे कितने हैं, इस पे है 2 ethane, ठीक है ना। अब इधर देख लेते हैं इस फंक्शनल ग्रुप के, इस ईथर के इधर देख लेते हैं, इधर कितने कार्बन है अटैच है इससे, केवल एक, तो मीथेन इधर अटैच है, और इधर कितने अटैच है इससे, इधर भी ईथेन, यानी कि 2 अटैच है, यानी कि अलग अलग हमें कार्बन का अरेंजमेंट नज़र आ रहा है, ठीक है ना, उसी सेम फंक्शनल ग्रुप पे। तो ये क्या शो कर रहा है, मेटामर शो कर रहा है, और ये जो फिनोमिना हमें दिखा रहा है उसे हम कहते हैं मेटामेरिज्म, ठीक है ना। तो ये कंपाउंड क्या शो कर रहे हैं यहाँ पे, मेटामेरिज्म शो कर रहे हैं। एक कंपाउंड और देख लेते हैं इसके नीचे वाला, मैंने आपको बताया कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो लेकिन कार्बन एटम का अरेंजमेंट डिफरेंट हो, कहाँ, दोनों तरफ फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ कार्बन एटम का अरेंजमेंट क्या हो, डिफरेंट हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। ये बात आप बिल्कुल अपने दिमाग में नोटिस कर लीजिए। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, चलिए गिनते हैं यहाँ पे कितने कार्बन है, कितने हाइड्रोजन है और कितना ऐसे है, देख लीजिए 1, 2, 3, 4, 4 कार्बन, हाइड्रोजन कितने हैं 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 हाइड्रोजन, और एस कितना है यहाँ पे, 1 S है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10S1। अब इसमें गिन लेते हैं कार्बन कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 4 कार्बन। अब देख रहे हैं हाइड्रोजन कितने हैं 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 हाइड्रोजन, और एस कितना है यहाँ पे, केवल 1, ठीक है ना। तो आप देख पा रहे हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है और फंक्शनल ग्रुप भी सेम है, डिफरेंट क्या है, कार्बन एटम का अरेंजमेंट उस फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड क्या है, अलग अलग कंपाउंड में अलग अलग हमको नज़र आ रहा है। तो बस वही होते हैं हमारे मेटामेरिज्म। ये क्या शो कर रहे हैं, मेटामेरिज्म शो कर रहे हैं ये कंपाउंड, ठीक है ना, ओके ना। सबसे सिंपल और सबसे इजी वे मेटामेरिज्म को समझाने का। अब कुछ बातें याद रखते हैं, मान लीजिए एक ये वाला कंपाउंड है, एक ये वाला कंपाउंड है, ये दोनों मेटामेरिज्म तो शो कर ही रहे हैं, लेकिन अब जरा ध्यान से देखिए, ये दोनों पोजिशनल आइसोमेरिज्म भी शो कर रहे हैं, ठीक है ना, बिल्कुल ध्यान से देखिए। कैसे आपको पता चला कि ये पोजिशनल आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको पोजिशनल आइसोमेरिज्म में बताया था कि केवल किसकी पोजिशन चेंज होनी चाहिए, फंक्शनल ग्रुप की। तो यहाँ पहले फंक्शनल ग्रुप कहाँ अटैच था, सेकंड वाले पे, अब कहाँ अटैच है, फर्स्ट वाले पे। तो ये दोनों क्या शो कर रहे हैं, ये दोनों पोजिशनल आइसोमेरिज्म भी शो कर रहे हैं। तो इससे हमें क्या पता चला, इससे हमें ये पता चला कि दो कंपाउंड के बीच में एक से ज़्यादा आइसोमेरिज्म शो हो सकती है। दिमाग में बिल्कुल नोट कर लीजिए, ठीक है ना, बहुत इजी है, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये दोनों मेटामेरिज्म तो शो कर ही रहे हैं, साथ में पोजिशनल आइसोमेरिज्म भी शो कर रहे हैं। कैसे शो कर रहे हैं, पहले हमारा जो फंक्शनल ग्रुप था वो सेकंड वाले कार्बन पे अटैच था,
अब जो फंक्शनल ग्रुप है इसके बाद वाले कंपाउंड में, फर्स्ट वाले में है, तो ये दोनों मेटामेरिज्म के साथ साथ पोजिशनल आइसोमेरिज्म भी शो कर रहे हैं। और मैंने आपको बताया कि दो कंपाउंड के बीच में एक से ज़्यादा आइसोमेरिज्म शो हो सकती है, ठीक है ना। दिमाग में नोट कर लीजिए, ऐसे क्वेश्चंस नीट में आते हैं, ठीक है ना। ओके, तो अब यहाँ पे एक चीज़ और देखिए कि अब इसके और इसके बीच में आप बताइए कि कौन सी आइसोमेरिज्म शो हो रही है मेटामेरिज्म के अलावा। इन दोनों कंपाउंड के बीच में कौन सी आइसोमेरिज्म शो हो रही है मेटामेरिज्म के अलावा, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, जो मैंने आपको अभी तक पीछे पढ़ाया है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा, आप पहचान गए, मुझे पता है आप बहुत होशियार हैं, आपको पता चल गया कि ये दोनों चेन आइसोमेरिज्म भी शो कर रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि केवल चेन का अरेंजमेंट चेंज हुआ है यहाँ पे, आप देखिए बाकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, ठीक है ना। फंक्शनल ग्रुप भी सेम है, ठीक है ना, ओके ना। केवल चेंज क्या हुआ है यहाँ पे, चेन का अरेंजमेंट चेंज हुआ है। फंक्शनल ग्रुप भी सेम पोजिशन पर लग रहा है, केवल क्या चेंज हुआ है यहाँ पे बताइए, केवल यहाँ पे हमारा चेन, जो हमारी कार्बन की चेन है वो चेंज हुई है। तो ये क्या चेन आइसोमेरिज्म भी शो कर रहे हैं ये दोनों मेटामेरिज्म के साथ साथ। तो दिमाग में याद रखिए, तो एक बात अपने दिमाग में नोटिस कर लीजिए कि अगर कोई कंपाउंड मेटामेरिज्म दिखा रहा है तो वो ज़रूर कोई और आइसोमेरिज्म भी दिखा रहा होगा, ठीक है ना, चाहे वो पोजिशन हो और चाहे वो चेन हो, ठीक है ना। तो अब आप एक काम कीजिए, इस कंपाउंड में ढूंढ के मेरे को बताइए कि कौन सा कंपाउंड यहाँ पे मेटामेरिज्म के अलावा पोजिशन और चेन आइसोमेरिज्म शो कर रहा है। तो हाँ बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, आप देख पा रहे हो कि दोनों सेम ही हैं, तो आप मुझे बड़े आसानी से बता सकते हो कि ये दोनों क्या शो कर रहे हैं, मेटामेरिज्म के साथ साथ पोजिशनल आइसोमेरिज्म भी शो कर रहे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। और ये दोनों क्या शो कर रहे हैं मेटामेरिज्म के साथ साथ, ये दोनों हमारे चेन आइसोमेरिज्म भी शो कर रहे हैं, क्योंकि केवल चेन का अरेंजमेंट यहाँ पे चेंज हुआ है, ठीक है ना। मुझे लगता है अब आपको मेटामेरिज्म बहुत अच्छी तरह समझ में आ गई होगी, मेटामेरिज्म क्या होती है ये भी आपको समझ में आ गई, नहीं आई एक बार और देख लेते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है ना। तो मैंने आपसे कहा कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होना चाहिए, लेकिन कार्बन एटम का अरेंजमेंट क्या होना चाहिए, अलग अलग कंपाउंड में अलग अलग होना चाहिए। आप देख पा रहे हैं कि इस फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड अलग क्या लगे हुए हैं, कार्बन लगे हुए हैं, कार्बन का अरेंजमेंट अलग अलग है। इस फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ कार्बन एटम का अरेंजमेंट अलग अलग है, और इस फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ कार्बन एटम का अरेंजमेंट अलग अलग है, ठीक है ना। फंक्शनल ग्रुप सब में सेम ही है, ठीक है ना। मेटामेरिज्म किस में शो हो सकती है, होमोलोगस फैमिली यानी एक जैसे ही फंक्शनल ग्रुप में यहाँ पे शो हो सकती है मेटामेरिज्म, ठीक है ना। फंक्शनल ग्रुप चेंज नहीं होना चाहिए मेटामेरिज्म में, ठीक है ना, ओके, ठीक है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि केवल अंतर किस चीज़ का है, फंक्शनल ग्रुप के जो दोनों तरफ यहाँ पे कार्बन का अरेंजमेंट है वो आपको डिफरेंट नज़र आ रहा है इस अलग अलग कंपाउंड में, ठीक है ना। इसमें आप देख पा रहे हैं कि ईथेन लगा हुआ है, इसमें आप देख पा रहे हैं कि प्रोपेन मीथेन लगा हुआ है, इसमें आप देख पा रहे हैं कि आइसोप्रोपेन और मीथेन लगा हुआ है। कार्बन एटम का अरेंजमेंट डिफरेंट है फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ, तो वो क्या दिखा सकते हैं, वो कंपाउंड हमारे मेटामेरिज्म शो कर सकते हैं। इसके क्या फंक्शनल ग्रुप कौन कौन सा अटैच होना चाहिए कार्बन एटम के बीच में, ठीक है ना। तो वो हो सकते हैं हमारे क्या ईथर, वो हो सकते हैं हमारे थायो ईथर NH और C डबल बॉन्ड O, ठीक है ना, ओके ना, आप समझ गए होंगे। और ये जो फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं, इन्हें हम कहते हैं डाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप। क्यों कहते हैं हम डाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप, क्योंकि ये दो तरफ क्या लगा सकते हैं, एल्काइल ग्रुप लगा सकते हैं। आप देख पा रहे हैं इधर की तरफ भी एक एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है और इधर की तरफ भी एक एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है। फिर आप देख सकते हैं कि इस वाले फंक्शनल ग्रुप में भी इधर की तरफ एक एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है और इधर की तरफ भी एक एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है। तो ऐसे फंक्शनल ग्रुप जो दो तरफ एल्काइल ग्रुप लगा सके उसे हम कह सकते हैं डाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप, ठीक है ना। याद रखिए, भूलिएगा मत, बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके ना। अब आपको मेटामेरिज्म बहुत अच्छी तरह समझ में आ गई है। तो मैंने आपको बताया कि मेटामेरिज्म जो कंपाउंड शो करते हैं
मेटामेरिज्म, मेरी बात ध्यान से सुनिए, जो कंपाउंड मेटामेरिज्म शो करेंगे उनके बीच में ज़रूर ना ज़रूर कोई और आइसोमेरिज्म भी छुपी हुई होगी। अगर क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए कि ये दो कंपाउंड हैं, अब हमें बताइए कि इन दोनों के बीच में कौन सी और आइसोमेरिज्म पॉसिबल है, तो आप देखते बड़े आराम से बता सकते हैं कि कौन सी पॉसिबल है। अगर वहाँ पर फंक्शनल ग्रुप की पोजिशन चेंज हो रही है, ठीक है ना, तो आप कह सकते हैं अरे ये तो पोजिशनल आइसोमेरिज्म है और आप वहाँ पे उसे बड़े आसानी से पहचान लेंगे, ठीक है ना। तो मैंने आपको बताया कि दो कंपाउंड के बीच में एक से ज़्यादा आइसोमेरिज्म होनी पॉसिबल है, तो इस बात को अपने दिमाग में नोट कर लीजिए, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चीज़। ओके, थैंक यू वेरी मच।